एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं ना कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, ना कोई DIY और ना कोई प्रोडक्ट रिव्यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेकअप पाउच एसेंशियल्स। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपको डेली कॉलेज जाना है, तो आप अपने बैग के अंदर ऐसे इसी तरीके के कोई मेकअप पाउच अगर रखें, तो क्या होगा, अगर आपको कहीं से भी अगर कुछ पार्टी लुक अचीव करना है या फिर आपको बस थोड़ा सा रिफ्रेश होना है, तो आप झट से हो जाएंगे। मैं एक न्यूज रीडर हूँ और एक एंकर भी हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि मुझे कहीं पर से भी शूट का कॉल आता है, सो मुझे एक ग्लैम लुक अचीव करना होता है। दैट्स व्हाई मैं इन सारे चीजों को इस्तेमाल करके एक ग्लैम लुक अचीव कर सकती हूँ कहीं भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा ये जो मेकअप पाउच है, ये बहुत ही सिंपल है, वन चेन वाला पाउच है और इसमें एक चेन है, दैट्स इट। एंड ये काफ़ी दिखने में छोटा है, बट ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें बहुत सारे मेकअप आइटम्स घुस जाते हैं। सो पहला जो है वो मैं वाइप्स रखती हूँ, और ये वी वॉश का वाइप्स है। डेफिनेटली ये फेशियल वाइप्स तो नहीं है, लेकिन ये इंटीमेट हाइजीन वॉश वाइप्स है, तो मैं इसे भी रखती हूँ ताकि कहीं पर भी मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये इतना हाइजीनिक है कि आप इसे फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वन टाइम यूज़ के लिए है। उसके बाद मैं फाउंडेशन तो उतना ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये लैक्मे 9 to 5 वेटलेस स्मूथ फाउंडेशन हमेशा मेरे पाउच में रहता है, क्योंकि ये प्राइमर प्लस एक फाउंडेशन है जो मैट लुक देता है। मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है, दैट्स व्हाई आई नीड समथिंग वेरी मैट। वैसे तो मैं मॉइस्चराइजर हमेशा मेरे बैग में रखती हूँ, वो मैं इस पाउच में नहीं रखती, मैं बैग में रखती हूँ, बिकॉज अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ मैं अपने फेस को भी मॉइस्चराइज कर सकती हूँ। एंड उसके बाद मैं बस इस लैक्मे 9 to 5 को अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, देन एकदम ग्लैम एक लुक मिलता है, फ्रेश लुक मिलता है, और उतना ज़्यादा पैची भी नहीं दिखता, और हाथ से ही मैं इसे इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, सो कोई स्पंज या कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और कंसीलर के तौर पर मैं इस NYB कंसीलर को हमेशा मैं मेकअप पाउच में रखती हूँ, बिकॉज ये अच्छा है, यू नो, क्रीमी है और इजीली फिंगर की मदद से ब्लेंड हो जाता है, सो कोई मेकअप टूल की ज़रूरत भी नहीं होता, सो और बहुत ही अफोर्डेबल है, सो या ओके। सो नेक्स्ट मैं एक पाउडर ब्रश को रखती हूँ हमेशा, नॉट जस्ट बिकॉज मैं पाउडर अप्लाई करने के लिए इसे अप्लाई रखती हूँ, बट इससे मैं ब्लश भी अप्लाई कर सकती हूँ, और कुछ अगर मुझे कुछ ब्लेंड करने का है तो मैं इसे वो भी कर सकती हूँ। सो और मेरे पास एक हमेशा छोटा सा ये LA कलर्स का है, और दूसरा मेरे पास एक और है LA कलर्स का जो और भी छोटा है, सो मैं हमेशा इसको कैरी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें वो सारे शेड्स हैं जो मुझे चाहिए। इसमें ब्लैक शेड है, इसमें गोल्डन शेड है, और इसमें यू नो पीची काइंड ऑफ कोरल शेड्स है, जिसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर सकती हूँ। ये वाला मेरे स्मोकी आई लुक के लिए परफेक्ट है, और ये गोल्डन मेरे इनर कॉर्नर्स पर कभी कभी हाइलाइटिंग का भी काम करता है, और इसमें ब्राउन शेड्स है, तो जितने भी न्यूट्रल और यू नो एक ग्लैम लुक के लिए जितने भी शेड्स मुझे चाहिए वो सारे शेड्स इसमें है, और सारे शेड्स ही बहुत ही पिगमेंटेड है, दैट्स वाई मैं इसे हमेशा रखती हूँ अपने पाउच में। ओके, सो नेक्स्ट मुझे कॉन्टूरिंग, अगर मैं फोटो खींचती हूँ या फिर मेरा शूट के लिए मुझे कॉन्टूरिंग, नोज कॉन्टूरिंग तो बिल्कुल करना है, दैट्स वाई मैं इस बॉन्जो बैरिस का जो आई पेंसिल इन द शेड ब्राउन, मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। नॉट बिकॉज कि ये अफोर्डेबल है, वेरी वेरी अफोर्डेबल, बट ये बहुत ही क्रीमी है, तो मैं अगर इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये फिंगर की मदद से बस 2 सेकंड में ब्लेंड हो जाता है, सो ये एकदम बिल्कुल हैसल फ्री है और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, सो नेक्स्ट मैं एक आईलाइनर रखती हूँ। मैं उतना ज़्यादा आईलाइनर, अगर बाहर मुझे रेडी होना है तो मैं आईलाइनर प्रेफर नहीं करती, क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है, लेकिन इससे अगर मुझे कुछ इंडियन लुक अचीव करना है तो मैं बिल्कुल इसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे एक बिंदी क्रिएट करती हूँ और पूरा इंडियन लुक में हो जाता है। सो या एंड मस्कारा इज अ मस्ट हैव, बिकॉज मेबेलिन, ये जो मस्कारा है मेबेलिन, मेरे लैशेस बहुत ही लंबे हैं, सो आई डोंट नीड फॉल्सीज एनी वेयर एंड एवरीवेयर, बट मुझे बस मस्कारा चाहिए, एंड दैट्स इट। मेरे लैशेस को अच्छे से वॉल्यूम देता है ये, और सेपरेट भी करता है। नेक्स्ट मेरे बैग में है ये NYB का कूल स्टिक, ये बहुत ही ब्लैक है और स्मज प्रूफ है। हमेशा मेरे पाउच में एक स्मजर ब्रश को हमेशा रखती हूँ, और ये स्मजर ब्रश है फ्रॉम द ब्रांड प्यूना स्टोर, और मैं हमेशा इसे रखती हूँ ताकि यू नो कभी भी मुझे स्मोकी आई लुक अचीव, और स्मोकी आई लुक कैमरा में बहुत ही अच्छा दिखता है, सो कभी मुझे स्मोकी आई लुक अचीव करना होता है तो मैं इससे कर लेती हूँ, और इस काजल को इस्तेमाल करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो आईब्रो
किट है, मतलब किट नहीं, बस ये वाला एडीएस का आईब्रो पेंसिल है, इसमें एक कॉम्ब भी है आईब्रोज को कॉम्ब करने के लिए, और मैं एक एम्प्टी स्पूल ही रखती हूँ। इससे क्या होता है, मैं अपने आईब्रोज को ब्रश भी कर सकती हूँ। सो ब्रशिंग के बाद ही थोड़ा सा आईब्रोज मैनेजेबल हो जाता है। एंड नेक्स्ट मैं एक ब्लू ऐसे पेंसिल रखती हूँ, ये वाला। तो इससे क्या होता है, कभी भी मुझे कुछ ग्लैम लुक अचीव करना होता है तो मैं इसे आई शेडो की तरह भी अप्लाई कर सकती हूँ, इसे आई लाइनर की तरह भी अप्लाई कर सकती हूँ, और अपने लोअर लैश लाइन पर भी इसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सो ये मल्टीपर्पज है। ओके सो नेक्स्ट कुछ एक लिपस्टिक है। हमेशा मैं पिंक कलर में एक लिपस्टिक रखती हूँ, बिकॉज पिंक एवरीडे काइंड ऑफ के लिए भी अच्छा है, और अगर मैं स्मोकी आई लुक अचीव करती हूँ शूट के लिए ज़्यादातर, तो मैं एक न्यूड लिप्स चाहती हूँ, सो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। एंड कुछ क्लिप्स एंड सेफ्टी पिंस एंड ऑल, वो हमेशा मेरे पाउच में रहता है। सो दैट्स इट, कुछ छोटे मोटे ही बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली आइटम्स मैं रखती हूँ। ज़्यादातर मैं मेकअप टूल्स इस्तेमाल नहीं करती, अपने मेकअप पाउच में नहीं कैरी करती हूँ। एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था, और ऐसे वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं और, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और आज का वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मैं हर रोज वीडियोस लाती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।